अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग, वेलकम टू द एम्पायर मॉम ऑफ मिन्हा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसे कि हमारी प्यारी सी मिन्हा रेडी होकर बैठी है, अपने पापा का वेट कर रही है, क्योंकि मिन्हा के पापा की कॉल आई कि आप लोग रेडी हो जाओ, हमने बाहर जाना है। बाहर कहाँ जाना है? सो गाइज, अभी हम जाएंगे लुलू मार्केट, वहाँ पर हमने राशन लेना है, कुछ सामान लेना है वहाँ का अपने घर के लिए, जैसे राइस हो गया, आटा हो गया, जो भी घर की खाने पीने की चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ से लेनी है। तो वहाँ पर अच्छी अच्छी ऑफ़र्स भी लगी हुई हैं, तो देखते हैं किस किस पे ऑफ़र्स है। ऑफ़र्स वाली ही चीज़ें हमने उठानी है, क्योंकि बजट को भी देखना है, तो उस हिसाब से, उस लिहाज से हमने वो वाली चीज़ें लेनी है। तो अभी मेरे शोहर जी की कॉल आई है कि रेडी हो जाएं आप लोग, मैं अभी आ रहा हूँ और अभी हम चल रहे हैं। तो अभी हम रेडी हैं मिन्हा की खूब सारी मस्तियों के साथ, और मिन्हा वेट कर रही है अपने बाबा का। और शोहर जी ने आज एक बात भी बताई कि आज एक सॉन्ग सुनाने वाला है, तो देखते हैं। माशाल्लाह से ये प्यारा सा सिद्धि सॉन्ग मेरे हस्बैंड ने मुझे डेडिकेट किया, और इस पर हमारी एक बहस चल रही थी कि ये एक सॉन्ग था, तो मेरा ये था कि नहीं, ऐसा कोई भी सॉन्ग नहीं है, मैंने तो नहीं सुना ऐसा कोई भी सिंधी सॉन्ग। तो इन्होंने कहा चलो सर्च करते हैं, मैंने कहा नहीं है ऐसा कोई भी सिंधी सॉन्ग। तो इन्होंने सर्च करके लगा कर और मुझे ये सॉन्ग सुनाया, तो माशाल्लाह प्यारा लग रहा था सॉन्ग। इस बहाने मुझे पता तो चला कि ये बंदा सिंगिंग भी करता है। तो गाइज हम आ गए हैं लुलू मार्केट के बाहर ही हैं, अभी बस इंटर हो गए हैं। ये मैंने उठा लिए ट्रॉली और अभी आगे जा रही हूँ अपने मियाँ के पीछे 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 पीछे, जहाँ भी वो जाएगा उसके पीछे पीछे जाऊँगी। अभी जो चीज़ें समझ में आएंगी वो उठाऊँगी। सबसे पहले तो ऑयल है 18 का, 18 में मैंने दो ले लिए हैं 18+18 के। तो मिन्हा सख्त बोर हो रही है, उसकी शक्ल से लग रहा है। तो अभी मेरे बासमती राइस ढूंढ रही हूँ, ये एक आटा उठा लिया है मैंने, और बासमती राइस पाकिस्तानी ढूंढ रही हूँ, पाकिस्तानी मिल नहीं रहे, तो देखती हूँ मैं इनकी ही मार्केट का कोई राइस उठा लेती हूँ। आई थिंक मुझे डुडू का ही उठाना पड़ेगा, तो वो ये है बासमती राइस। ये मेरी चीज़ें उठा ली हैं, और उसके साथ कितने प्यारे से ये बर्तन पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बर्तन लूँगी। फ़िलहाल तो अभी मुझे राशन ही लेना है, ये चीज़ें घर की खाने पीने की लेनी है। तो अभी एग्स उठाऊँगी यहाँ से, तो एग्स पड़े हैं 15 रियाल के एग्स पड़े हैं। तो ये चीज़ें तो नहीं लेनी मुझे, क्रीम्स वगैरह, तो मैं एग्स उठा लेती हूँ यहाँ से। और उसके साथ साथ मैंने नगेट्स उठाए हैं, कुछ समोसे उठाए हैं, और मेरे प्यारे शोहर जी गया है एक सब्ज़ी वगैरह उठाने, तो देखते हैं कौन सी सब्ज़ी लाता है। तब तक मैं यहाँ पर मिन्हा का ख्याल कर रही हूँ, क्योंकि शी इज़ गेटिंग बोर, इसलिए वो ऐसे लेट गई है, उसका फुल मूड है यहाँ से निकलने का, इधर से उठने का, जो कि मैं ऐसे नहीं करने दे रही इस वजह से। तो साथ ही साथ आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सी मार्केट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्यारी। और मेरा प्यारा सा शोर ऑरेंजेस लेकर आ रहा है और ग्रेप फ्रूट लेकर आ रहा है, माशाल्लाह। हाँ जी, तो गेस्ट भी आने वाले हैं घर में, तो उस वजह से भी हमें कुछ राशन वगैरह चीज़ें लाकर घर में रख रहे हैं, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि शोहर हमेशा बिज़ी होते हैं, सारे दिन अपने काम में होते हैं, तो टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से अभी सोचा कि सारी चीज़ें कई ले लें, ताकि एक दो मंथ चल जाएं। तो अभी यहाँ पर हम आए हैं मिन्हा के लिए जूस लेने, तो यहाँ पर मिन्हा के टाइप का कौन सा जूस है जो मिन्हा को अच्छा लगे, देखती हूँ।
ये वाला आई थिंक ये प्यारा ही है, अच्छे हैं, तो ये ले लेती हूँ मैं मिना के लिए। इनफ, यस। तो गाइस यहाँ से मैं एक तो सब्ज़ी देखूँगी, ये सब्ज़ी मुझे यहाँ से लेनी है। रौनक कहते हैं हमारे यहाँ सिंधी में, तो उर्दू का कुछ पता नहीं है मुझे। ये दाल मैं बनाती थी, हम बचपन में खाते थे, तो अभी सोच रही हूँ ये लूँ यहाँ से मैं। और देखें हम मिरर में नज़र आ रहे हैं, मिन्हा और मैं, वाह माशाल्लाह, यस। Sit down. जब हम वापस जाने लगे हैं, शोहर जी बिल पे कर रहा है सामने से। अभी बस हम थोड़ी देर में निकलने लगे हैं, तकरीबन लोग भी जा रहे हैं वापस, टाइम हो गया है, तो 12 भी बज गए हैं, 1 बजने वाले होंगे रात के। तो इस वजह से ये माशाल्लाह काफ़ी ऑफर्स लगी हुई हैं इन LED वगैरह पे, हर चीज़ पे, वॉशिंग मशीन्स पे, सब पे ऑफर्स हैं। तो बस अभी हमारी ये ग्रोसरी की शॉपिंग हो गई है। जैसे कि आपने देखा, जो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो घर की ज़रूरत की चीज़ें ली हैं, तो इंशाल्लाह पाक बरकत लाएगा, और अल्लाह पाक आपकी भी हर घर में बहुत सारी बरकतें लाए, खुशियाँ लाए। अल्लाह पाक सबको खुश रखे अपने बच्चों के साथ अपने घर में। और देखें कितनी प्यारी प्यारी सी लाइटनिंग्स लगी हुई हैं सऊदी अरब में, जिदा में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रात के टाइम में बाहर निकलती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे शोहर को कि हम बाहर जाएं या घूमें फिरें। बस फ्राइडे को ही टाइम मिलता है जो घूमते फिरते हैं, और इतने दिन, 6-7 दिन, जो 6 दिन गुजर जाते हैं, तो मुझे इंतज़ार होता है कि यार फ्राइडे आए और मैं बाहर निकलूँ अपने शोहर के साथ, घूमूँ फिरूँ और बाहर देखूं। और इतने दिन में मैं बाहर कुछ देख नहीं पाती, क्योंकि जो मेरा फ्लैट है, मेरा घर है, उसमें कोई विंडो वगैरह नहीं है, तो मैं सन देखने के लिए तरसती हूँ। मैं देखने के लिए ये तरसती हूँ यार बाहर मौसम कौन सा है। वैसे तो मेरा प्यारा शोहर कहता है कि यार पार्क पे चली जाया करो, पार्क सामने ही है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि यार अकेले जाकर मैं क्या करूँ, कोई हो तो घाट में जाऊँ, जैसे कोई अपनी दोस्त होती है। तो अभी जो भी हैं वो बिल्कुल दूर दूर रहती हैं, तो उनसे भी कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी रहता है, तो इस वजह से मैं नहीं जाती। तो इंशाल्लाह मेरी मदर इन लॉ आने वाली है कुछ दिनों में, तो वो आ जाएंगी, तो हम साथ जाया करेंगे। तो और न्यू व्लॉग्स, न्यू वीडियोज़ के साथ, प्यारी प्यारी वीडियोज़ के साथ हम मिलेंगे। जैसे कि मिना अभी सो गई है और हम भी घर पहुँच गए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करें, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।